আমার কি করছে বেতন বাড়ানোর সামনে মেসে করলেন অলরাইট, আমার কি করছি অনলাইন? আমার এমনি বলে এসে বলবে নেক্সট পার্টি করে এসে মাত্র আসবে হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যালো হ্যালো, ক্লিয়ার হ্যায় মুঝে সুনাই নেই দে রহা হ্যায়। ওকে ওয়েলকাম এভরিওয়ান এন্ড কংগ্রেচুলেশন সবকে লিয়ে। আতা মরাঠি তুমি সুরুয়াত করতো, মরাঠি মধ্যে আহে মলা খাস খাস সাংগিতলে গেলে। থ্যাংক ইউ। তো ইকডে তুমি নক্কি কশাসাঠি আলেত না हे एकदा तुम्ही डिसाइड करून फायनल करा, ठीक आहे? की मला कोर्स कशाला करायचा, काही रिझन कन्फर्म आहे डोक्यामध्ये की रिझन का करायचं, की खरंच योगाभ्यास शिकायचा आहे, ट्रेडिशनल योगिक नॉलेज शिकायचं आहे, का इंस्टाग्रामवरची रील्स बघून आपण इम्प्रेस झालोय, नक्की ते ठरवा। कारण पुढे जे काही होईल सगळं हे सगळं पुढे जे काही होईल ते सगळं त्याच्यावर डिपेंड आहे, ठीक आहे? कारण इथे जे काही शिकवलं जाईल हे सगळं तुम्ही कसं ग्रास्प करता, कितपत ग्रास्प करता आणि किती त्याचा उपयोग करता हे सगळं त्याच्यावर डिपेंड आहे की तुम्ही नक्की डोक्यात टार्गेट काय, मोटिव्ह काय बेसिकली कोर्स करण्यासाठी। इकडे बऱ्याच काही गोष्टी शिकवल्या जातील। आता मी इकडे बरेच जे लोक उभे आहेत नाही, सगळे तुमच्यासारखे इकडे बसले होते आधी, अर्धा मिनिट 1 मिनिट 5 सेकंद उभं राहून लोकांसमोर बोलणं ही त्यांचा डेअरिंग मी बघितलं नव्हतं, पण 1 1 मिनिट टॉक असं त्यांनी सांगितलं असतं, मग 3 मिनिट सर जो योगिक कोर्स आहे त्याप्रमाणे कॉन्फिडन्स बिल्डिंग किंवा तुमचं डिसिप्लिन जी ज्या प्रकारे इकडे तुम्हाला मेंटेन करून शिकवली जाते ना ते सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे। आणि पूर्ण अख्खा कोर्स भर तुम्हाला आत्ताच कळलं असेल, कॅलेंडर जे जॉईन करते त्यांना आत्ताच पहिल्या 6 महिन्याचा कॅलेंडर मिळेल, तेव्हा तुम्हाला कळेल की डिसिप्लिन किती इम्पॉर्टंट आहे। लोकलनी जे प्रवास करत नसतील ना त्यांना सुद्धा मिनिटाचं ऍक्च्युली व्हॅल्यू इकडे आल्यावर कळेल की 5 म्हणजे 5 लाख कोर्स चालू होणार, 8.5 लाख किंवा 8 लाख असेल तो कसा संपणार, त्याच्यामध्ये कशा सगळ्या गोष्टी बसवायच्या आणि संपवायच्या हे सगळं त्याच्याबरोबर सगळं हळूहळू घेतच राहील। अजून एक मोठी याच्यात गोष्ट म्हणजे आता जसं सावंत सरांनी सांगितलं ना की थँक्स टू करोना आपण ऑनलाईन गेलो, ठीक आहे? तर ऑनलाईन गेलो त्याप्रमाणे काही छोट्या छोट्या माझ्या गोष्टी सर माझ्या साईडने एक सजेशन आहेत ते पण मी सांगतो की असं मला वाटतं की काय आम्हाला धन्यवाद द्यावेत की ही सजेशन आमच्याकडनं आली। आणि 47 पासून जसं करोना पासून ऑनलाईन झालं तसं 47 पासून अजून काही थोड्या नवीन गोष्टी ऍड झाल्या असं मला थोडं वाटतं। तर मला असं वाटतं की एवढ्या जुन्या इन्स्टिट्यूटनी त्यांचा ऑनलाईन प्रेझेन्स वाढवावा, चांगल्यापैकी पब्लिसिटी ऑनलाईन सुद्धा व्हावी आणि एक चांगला स्वतःचा एक प्लॅटफॉर्म बनवा। आता जर मी जसं सुरुवातीला सांगितलं की इंस्टाग्राम वरती वगैरे किंवा काही लोक बघतात, अनेक लोकांना फोन मध्ये काय आलेला फोन हेही वाचता येत नाही, पण सगळ्यांच्या फोन मध्ये इंस्टाग्राम आहे, सगळे लोक रील बघतात त्याच्यात काय लिहिलंय तेही वाचता येत नाही पण रील चालू असतात लोकांकडे। तर मला असं वाटतं की ह्या एवढ्या मोठ्या कोर्सची किंवा एवढ्या जुन्या इन्स्टिट्यूटची ऑनलाईन प्रेझेन्स जर का त्या ठिकाणी असेल आणि जर तिकडे जर का आपण काही वाढवू शकलो तर खूप फायदा होईल। कारण जर का ओव्हरऑल तुम्ही बघितलं तर मी जो डेटा थोडासा अभ्यास केला होता कलेक्ट करून त्याच्यामध्ये जर बघितलं तर ऑलमोस्ट 42 to 43% एक्झॅक्ट काउंट सांगतो मी, 42 to 43% जो क्राऊड आहे तो एज ग्रुप 40 to 60 मधला आहे आणि आपल्याला तेच खाली आणायचे। सो ते जर का खाली आणू शकलो आणि यंग क्राऊडला कॅप्चर करू शकलो सो दॅट विल बी बेस्ट। आणि मला असं वाटतं की त्याच्यासाठी आपण जास्त मेहनत करायला हवी। अभिषेक सारखे काही आपल्याकडे कंटेंट क्रिएटर आहेत तर त्यांची मदत घ्यावी आपण किंवा त्यांना अजून मदत करायला बोलावं। आणि सगळ्यांनी तुम्ही नक्की मजा कराल, खूप धमाल येईल, सो प्लीज एन्जॉय आणि थँक्यू। I'd like to now call on Jasmine Sheikh. Jasmine Sheikh, she will be giving her feedback, not the lecture.
in Hindi. Thank you so much. Over to you. Yes, you have to. Yeah, so spell it clean the government and then leave out. Keep it. Is it audible, friends, online? Just show thumbs up. Okay. Hello. Is it audible, friends? So we yes, it is. Yes, it is. Yeah, thank you so much. Okay. So, good evening, respected teachers. और मेरे प्रिय दोस्तों, मुझे आप लोगों को मेरा नाम जास्मिन शेख है और मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ. मुझे आप लोगों को ये बताना है कि मैं यहाँ से कैसे जुड़ी योग से. मैं 10 से 11 12 साल से योग फिटनेस इसी लाइन में हूँ और जो मेरी टीचर थी योग टीचर वो भी यहीं के स्टूडेंट है, सुजाता मैम एंड कविता मैम. तो उन्होंने मुझे बोला कि योग विद्या निकेतन से YTTC करी, तो फिर मैं यहाँ पे ज्वाइन करी. अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद में, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस. तो यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद में मैंने ये सीखा कि आसन में कैसे जाते हैं, कैसे रिलीज होते हैं और आसन करने के टाइम हमें किस तरीके से प्राण धारणा का अभ्यास करना होता है, ये जो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाएगा फ्रेंड्स. ओके, तो ये जो यहाँ की टेक्निक है बहुत ही यूनिक है और इसी से हमारे कोई भी मसल्स इंजरी नहीं होगी. हमारे जो गुरुजी है श्री निम्बलकर गुरुजी, उन्होंने इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल्स कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, राइट. तो उसी तरीके से यहाँ भी कोर्स को डिजाइन किया हुआ है, प्रीलिमिनरी, इंटरमीडिएट, प्री स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, और जिसका जैसा बॉडी शेप है उस हिसाब से आप ग्रेजुअली जाइए. तो टीचर्स आपको गाइड करेंगे उसी बेसिस पे. ओके, तो ये हो गया आसन से रिलेटेड. नेक्स्ट आता है क्रिया. अभी क्रिया के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों के जैसी थी. आप लोगों को पता भी रहेगा मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे खाली वो टीचर्स ने बताया था कि ऐसा ऐसा होता है, बट जब मैंने देखा तो मैं सरप्राइज हो गई कि ये क्या है, ये मैं कर पाऊंगी क्या. तो हमारे टीचर्स ने मुझे बोला जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते. एंड बिलीव मी फ्रेंड्स कि टीचर ने इस तरीके से हमें सिखाया है ना कि मैं अभी भी ये संडे में वस्त्र की हूँ मीन्स, और वो थैंक यू सो मच. तो वो मीन्स मैं हर एवरी संडे करती हूँ, एक दिन वस्त्र करती हूँ, एक दिन दंड करती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि मुझे ये भूलना नहीं है. बिकॉज ये करने के बाद जो मुझे मेरे सोल को, मुझे बॉडी को जो बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती. तो वो जब आप यहाँ पे सीखोगे तब आप जानोगे कि ये क्या बेनिफिट हो रहा है आपको. तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जो भी हमारे टीचर्स सिखाएंगे आपको, सिर्फ अपना वर्क लाइफ सभी को रहता है, घर का टेंशन, ऑफिस का टेंशन. मैंने मेरा खुद जॉब छोड़ा है इस योग विद्या निकेतन के लिए, बिकॉज मैं आती थी भाग भाग के देखती थी यहाँ सब स्टूडेंट्स बैठे रहते थे 6 बजे और 6:30 का हमारा क्लास रहता था, मैंने छोड़ दिया. मैं बोला मेरे से नहीं होगा, मुझे पूरा फोकस इधर ही देना है, मुझे कुछ बनना है, अपने हेल्थ के लिए कुछ करना है. ये तो काम धाम तो चलता ही रहेगा लेकिन हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस. तो मैंने इसे चूज किया और ये चूज करके आई एम वेरी सेटिस्फाइड. तो मैं ये बताना चाहती हूँ क्रिया से रिलेटेड कि आप प्रॉपरली कीजिए उसे, जैसा टीचर्स गाइड करेंगे उस तरीके से. नेक्स्ट आता है समर कोर्स. अभी फ्रेंड्स हम कॉलेज डेज में बहुत अच्छी तरीके से स्पीच देते थे, कॉन्फिडेंटली बोला करते थे, बट हमारा ब्रेक हो जाता है. यहाँ पे कितने हाउस वाइफ्स हो गए जिसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है. मैं भी थोड़ा शिवर करती थी लेकिन यहाँ पे मैंने सीखा है. पहले मेरा इंट्रोडक्शन, सिर्फ नाम बताना है, तो मैंने थोड़ा सी नाम बताया, उसमें मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. फिर 3 मिनट टॉक था, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस आया. फिर लेसन डिलीवरी, उसमें मुझे और कॉन्फिडेंस आया. और आज जाके मैं आपके सामने खड़ी हूँ जो ये स्पीच दे रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. तो ये सारे हमारे टीचर्स हैं. और फ्रेंड्स ऐसे नहीं कि ऑनलाइन में अलग हो रहा है, ऑफलाइन में अलग हो रहा है. अगर सपोज आप ऑनलाइन क्रियाज भी कर रहे हैं वहां पे भी आपको वैसे ही टीचर्स ऐसा ब्रेकअप रूम बनाते हैं, पर्सनल अटेंशन देते हैं, आप वहां पे भी सीख सकते हो एवरीथिंग जो क्या जिधर हुआ है, डंड से लेके टीचर्स एकदम बारीकी से देखते हैं. सो फ्रेंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 48 YTTC एंड थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन फॉर. थैंक यू.